गुड मॉर्निंग क्लास क्लास 8 आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल का वीडियो जो था 4.1 एक्सरसाइज के लिए था, आज हम डिस्कस करेंगे 4.2 एक्सरसाइज। अभी तक हमने डिस्कस किया कि अगर चार साइड्स मिली हुई है तो कैसे हम फिगर ड्रॉ करेंगे, चार साइड और एक डायगोनल दिया हुआ है तो कैसे फिगर ड्रॉ करेंगे, तो हम उसको समझे। ठीक है, अब कहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर्स व्हेन देयर आर गिवन टू डायगोनल्स एंड वन साइड। अगर दो डायगोनल दिया हुआ है और वन साइड दिया है तो कैसे फिगर ड्रॉ करेंगे, सीधी सी बात है, इसको आप पहले से बनाएंगे। मान लीजिए दो साइड दिया हुआ है ए और बी, एक डायगोनल दे दिया गया है सी, दूसरा डायगोनल दे दिया गया है डी, अब कैसे ड्रॉ करेंगे, फिगर कैसे बनाएंगे, इसको आपको सोचना है और बताना है। चलिए अभी एक बात करते हैं, एक रेक्टेंगल का फिगर लेते हैं अपने मन से बनाकर उसे सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस होंगे। चलिए कह रहा है एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ दे दी गई, फाइव सेंटीमीटर और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और डायगोनल एक दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। चलिए ड्रॉ कर, पहले आपने 5 सेंटीमीटर का लेंथ बना दी, फिर एक आर्क आपने कट किया कितना 13 सेंटीमीटर का, फिर यहां से एक आर्क कट किया 10 सेंटीमीटर का, तो फिर इस लेंथ को जोड़ दिया, फिर यहां से एक आर्क कट किया 10 सेंटीमीटर का, इधर से 5 सेंटीमीटर का, फिर इधर से 10 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों पॉइंट आप जोड़ देंगे, फिर आपको एक रेक्टेंगल मिल गया। ये तो हो रही है कल की बात, ही कल आपने क्या सीखा था, कैसे किया था, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे, कैसे समझे थे। ठीक है, अभी आज के क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं, जो नहीं आते हैं फिर आप पूछिएगा क्वेश्चन, आप एग्जाम्पल्स लगाइएगा। कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन कम दिए हुए हैं लेकिन इसमें कम क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं पेपर में, तो प्लीज सभी लोग क्या कहते हैं कहाँ से लगाएंगे, एग्जाम्पलर से लगाएंगे और जहां कहीं पे भी डाउट हो वहां पूछेंगे। ठीक है, दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ए बी सी डी। चलिए कुछ सीधे तो पहले हमें रफ फिगर बनाना, कुछ नहीं बनना है, सिर्फ एक रफ फिगर सीधे सीधे बना लेना है। चलिए हमने एक फिगर ड्रॉ किया, क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड्स, हमने नाम भी दे दिया ए बी सी और डी। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को फिर रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फिर कि ए बी सी इज गिवन 4.5 सेंटीमीटर, तो बी सी कितना, बी से सी 4.5 सेंटीमीटर। अभी मैं पता नहीं कि क्या है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या है, नहीं पता, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोला है। AD is given 5.5 सेंटीमीटर, A से D is given 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा उसके बाद CD is given 5 सेंटीमीटर, CD is given 5 सेंटीमीटर। चलिए फिर उसके बाद क्या कहा है कि AC is given 5.5, A से C दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि B से D दिया हुआ है 7.7 सेंटीमीटर, B से D कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो इधर 7 सेंटीमीटर लिख दिया। मतलब ये आपने देखा, ये फिगर बनाने का क्या फायदा, रफ फिगर क्यों बनवाया, क्यों बनवाया गया, ये आप समझिए, रफ फिगर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती, रफ फिगर बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती, रफ फिगर ही आपको बता देता है क्वेश्चन करना किस तरह का। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि आपको ए बी बेस नहीं मानना है, बेस किसे मानना है, पहले डी और सी को, सी और डी को। चलिए सी डी को आपने बेस बनाया, कितने सेंटीमीटर का, सी डी को एक बेस बनाया कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का बन गया। उसके बाद अब एक आर कट करना है डी से बी के लिए 7 सेंटीमीटर, डी से बी के लिए एक आर कट कर दो 7 सेंटीमीटर, कट गया। फिर कहा ए से सी, सॉरी सी से ए के लिए
एक आर्क कट कर दो कितना 5.5, तो सी से एक लिए का कट कर दो कितना 5.5 सेंटीमीटर का। फिर उसके बाद बोला डी से ए, देखो रफ फिगर ये मैं समझा रहा है, डी से ए के लिए 5.5 सेंटीमीटर, डी से ए के लिए 5.5 सेंटीमीटर आर्क कट कर दिया। और फिर बोला कि बी से सी के लिए या सी से बी, बी से सी तो हम जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर बी पॉइंट है, तेरा सी से बी 4.5, सी से बी 4.5 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर दिया। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, जोड़िए, ये क्या हुआ, एक बन गया क्वाड्रेटर। ठीक है, हो सकता है एग्जैक्ट आपकी तरह नहीं बना हो जिस तरह उसमें आवश्यकता है, फिर आप नाम सबके लिख देंगे, भाई नाम लिख दे, एसी कितना है 5.5 सेंटीमीटर, उसके बाद डी से ए कितना है 5.5 सेंटीमीटर, फिर सी से बी कितना है, सी से बी कितना है 4.5, तो लिखो 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर से डी से बी कितना है 7 सेंटीमीटर आप लिख दो। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या किया, दैट्स ऑल फिनिश, आपने यही वैल्यू आपको पता थी। चलिए क्वेश्चन को, अब दूसरी चीज स्टेप लिखना बहुत मस्त अवश्य है। क्या क्या आपने किया, स्टेप्स में करना क्या है, कुछ नहीं, बस जो आपने किया वही लिखते चले गए। सबसे फर्स्टली आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, इसको हम आप नाम क्या दिए हैं, सी और डी। फिर एक टेक अ कंपास एंड मेक अ मेजरमेंट ऑफ 5.5 सेंटीमीटर एंड मार्क मार्क एन आर्क फॉर ए। देन दूसरा आपने क्या किया, सी से आप ए तक की आपको वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर पता है, तो आपने फिर से कंपास में लिया कितना लेंथ 5.5 सेंटीमीटर का, और फिर से आपने सी से ए के लिए आर्क कट कर दिया। ठीक है, आर्क वन एंड आर्क टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए, तो आप उस पॉइंट का ए नाम रख दिया, यहां से यहां तक आपने लाइन जोड़ दी। क्लियर, फिर कह रहा है कि ए से बी की दूरी हमें दी नहीं है, मतलब हम डिपेंडेंट किसके ऊपर है, डायगोनल लेफ्ट साइड के ऊपर। फिर टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड मार्क द पॉइंट 3 ऑफ आवर फॉर गेटिंग आवर पॉइंट बी, हम बी पॉइंट को पाने के लिए तीसरा आर्क मार रहे हैं। फिर दूसरा, फिर फॉर गेटिंग पॉइंट बी मेक अ फोर्थ आर्क फ्रॉम सी, सी पॉइंट से आपने चौथा आर्क मारा कितने सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का, और आपको मिल गया जहां पे इंटरसेक्ट किया दोनों आर्क, थर्ड और फोर्थ आर्क में यहां इंटरसेक्ट किया, वो क्या पॉइंट होगा, पॉइंट बी हो गया। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आप करिएगा, जो जहां पे ना समझ में आएगा बताइएगा, फिर फिगर जो बन गया आपका एबीसीडी उसको समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप ही सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करें, जो डाउट्स हों पूछें, जितने भी डाउट्स हों आप पूछें, बेझिझक होकर पूछें। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। कि आ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ए सी इज गिवन 10 सेंटीमीटर, बी डी इज गिवन 15 सेंटीमीटर, देन CD is given 5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद दिया हुआ है BC is given 4 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, अब लिखा हुआ है DA is given 10 सेंटीमीटर, एंड दे दिया गया एक दो और तीन साइड दे दिया गया, एक दो और क्या कह रहे डायगोनल दे दिया गया, आपको एक क्वेश्चन बन गया, कुछ करना पड़ा, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं बुक से रिलेटेड नहीं, आप एक्सरसाइज करिएगा तो 4.2 क्वेश्चन सॉल्व लगाइएगा, आप कहते हैं किससे, कहां से लगाएंगे क्वेश्चन, आप लगाएंगे कहां से क्वेश्चन, आप लगाएंगे एग्जाम्पलर से, बुक से 4.2 एक्सरसाइज लगाएंगे,
सभी क्वेश्चंस करिएगा, जहां कहीं पे भी आपको डाउट हो पूछिएगा। 3.5 का अगर कुछ डाउट हो तो कल तक ऑप्शन और एक दे रहे हैं, आप डाउट पूछ लीजिए। दूसरी चीज बात रही इसकी क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को आपको हम बता देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद आप 4.2 एक्सरसाइज 100% कंप्लीट करिएगा। जहां कहीं पे भी आपको डाउट हो वहां पे आप पूछिएगा। कल आपको बताएंगे कंस्ट्रक्शन के कैसे एंगल्स बनाते हैं, उसके बाद फिर कुछ जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन के फिगर के उसको समझाएंगे। तो प्लीज कल थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा कि एंगल कैसे बनाए जाते हैं, आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये है, जो आप अभी क्वाड्रेटर्स की बात की जा रही है, क्वाड्रेटर्स को बनाया जाएगा, ठीक है, और होपफुली हमारा टारगेट है कि 15 से बाइफर्केशन आपका हो जाएगा क्लास 8 का, आईसीएसई बैच और सीबीएसई बैच फ्रॉम 15th ऑफ दिस मंथ बाइफर्केशन हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश किया जा रहा है, फिर भी आपका कोर्स जो है आईसीएसई सीबीएसई का मैक्सिमम पोर्शन सेम है। जहां कहीं पे भी आपको डाउट हो आप करिएगा। अगर आपको बुक आईसीएसई बुक है आपके पास, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी सॉल्व करिएगा, अगर उसमें भी डाउट आता है तो पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन इसमें अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो हम सबसे पहली चीज हमने जो आपको प्राथमिक बताया कि आप बनाएंगे रफ फिगर, चलिए बनाएंगे ए बी सी और डी। कह रहा है ए सी 10 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर, बी डी बी और डी कितना सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया हुआ है सी डी सी और डी 5 सेंटीमीटर, दिया है बी सी बी और सी 14 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ है डी ए डी और ए कितना 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि आप बेस इसको मानना है, बी सी को मानना है, सी डी को मानना है, ए बी को हम बेस नहीं मान सकते क्योंकि हमारा रफ फिगर शो कर रहा है, क्योंकि ए से और बी की वैल्यू हमें लेंथ नहीं दी गई है। तो हम क्या करेंगे, किसको मानेंगे, किसको बेस बनाएंगे, बी और सी को। एक लाइन बना दीजिए 5 सेंटीमीटर की, नाम दे दीजिए बी डी सॉरी डी और सी। चलिए अभी D से B की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देंगे। C से B की वैल्यू कितना है 14 सेंटीमीटर के आर्क कट कर देंगे, आपको वैल्यू किसकी मिल गई, B मिल गया। B से आपने पॉइंट C को जोड़ दिया तो BC आपका हो गया। फिर बात करते हैं D से A की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर के आर्क कट करेंगे, C से A की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के आर्क कट करेंगे, इधर जोड़ दिया आपने, दोनों पॉइंट मिल गए तो एक फिगर बन गया। ये हो गया आपका कितना 15 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। आपको सारे फिगर्स की वैल्यू भी पता है, आपने एक फिगर बना भी दिया, ठीक है। तो क्वेश्चंस करिएगा, जहां कहीं पे आपको डाउट है वो पूछिएगा, आपका 4.2 एक्सरसाइज आप करिएगा, जितने भी डाउट हो आप प्लीज पूछिएगा। उसके बाद वी आर ट्राइंग दो चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं, सीबीएसई के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं कि जैसे फोर्थ चैप्टर ओवर होता है कि आपका साइंस का कंटिन्यू करेंगे, साइंस और हिस्ट्री भी कंटिन्यू करेंगे, तो जैसा भी है उसके लिए आप करें वर्क करें। अनुष्का होमवर्क नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ये आपको बताना चाहिए, डेली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, होमवर्क नहीं आ रहा है। अनुष्का, युवराज, पारस, उज्जवल, आयुष वर्मा एंड ऑल, गायत्री एंड गायत्री सॉरी गायत्री देवी ओके एंड अनुभव, ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व करो क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं पूछो। वीडियोस हम चाहते हैं 40 मिनट का, 1 आवर का, 2 आवर्स का हो, लेकिन जो आपका सेगमेंट है समझाने को तो जितना रहेगा उतना ही समझाएंगे ना। उसके बाद बाकी बचा डाउट सेशन, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना, क्वेश्चंस करो, उसको मैसेज करो, जहां नहीं आ रहा उसको पूछो, प्लीज सॉल्व करो सभी लोग। और अगर ये आप सुन रहे हो तो प्लीज लिखो अपना नेम कि हाँ हमने सुना है, हम वो करके देंगे, कमेंट में हमें दिखना चाहिए आप सभी का नाम। ओके ओके, गुड बाय।